हेलो एंड गुड इवनिंग, मैं शैलेश आप सभी का आप सभी के चैनल असम प्रशासन पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर और आज के इस क्लास में लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल का। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पहचान का, इस टेंस की पहचान का, ठीक है आप लोग समझेंगे इसको। पहचान का अगर बात करें तो वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, अंत में चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ठीक है, चुके हो, या है, या है, ई है, ए है, ठीक है, ए, ये चीजें आए, ठीक है। जैसे कहते हैं वह गया है, ठीक है, वह गया है, गया है यानी जाने का काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। कहते हैं वह पढ़ चुका है यानी पढ़ने का काम क्या हो गया बच्चों, पूरा हो चुका है। वह मर चुका है यानी वह मर चुका है, ये यानी है ना चीजें। तो जब वाक्य क्या हो, पूरा हो यानी पूर्ण होता दिखाई दे, जैसा कि हमें मिल जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, किसी वाक्य के अंत में, जैसे कह दे वह बाजार गया है, ठीक है, वह बाजार गया है यानी जाने का काम क्या हो गया है, पूर्ण हो चुका है। तो इस प्रकार ज्यादातर केसेस में क्या आती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। तो इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि वह वाक्य क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब अगर इसके पहचान का, परिभाषा का बात करें तो ऐसा वाक्य, ठीक है, ऐसा वाक्य जो वर्तमान काल में पूर्ण हो चुके हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। जैसे अगर अक्सर पहचान का बात करें तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके चुके हैं, ठीक है, या है, ई है, ए है, ये चीजें क्या हो जाती है, पहचान का हो जाता है, ठीक है, पहचान के बारे में बताती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों, यानी अब वाक्य पूरा हो चुका है, ठीक है, यानी क्रिया खत्म हो चुकी है, यानी क्रिया हो चुकी है। तो इस टेंस में क्या होता है बच्चों, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, का यूज करते हैं, ठीक है, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट, चाहे जो परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, उसमें हम लोग क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर किया, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर कर दें। तो अगर बात करें हम लोग वाक्यों के अंत में कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जब वाक्य के अंत में आपको इस प्रकार का कोई वाक्य मिल जाए कि वाक्य के अंत में चुका है, आए, चुकी है, या चुके हैं, या चुके हो, या फिर या है, ई है, ए है, इनमें से कोई भी आए वाक्य के अंत में, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि वह प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ये समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज और हैव हो जाता है, ठीक है, हैज और हैव हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है बच्चों, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब यहां समझते हैं हैज और हैव किसके किसके साथ लगता है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां हम बात कर ले एक वचनकर्ता के साथ, जैसे आ जाए ही, सी, इट, तथा एक वचन, ठीक है, तथा एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ हैज, ठीक है, हैज, तथा आई वी दे, तथा बहुवचन, ठीक है, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यानी ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, आई, यू, वी, दे तथा हाँ यू भी बच्चों, ठीक है, यू भी आ जाता है, यू, ये चीजें आए तो हम लोग क्या कर देते हैं, उनके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, क्या मैं आपको समझा पाया, क्या आपको समझ में आया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है चीजें।
तो ये इसका पहचान हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही सी इट के साथ हैज लगता है, यू वी दे आई के साथ तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगता है। और यहाँ पर क्या होती है क्रिया की आई एन जी फॉर्म तो कंटिन्यूअस में लगता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करें सेंटेंसेस का, सभी सेंटेंस कैसे किस प्रकार से मिलेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस जानेंगे, उसके बाद क्या जानेंगे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक कर दिया करिए भाई आप लोग। ठीक है, क्लास को शेयर करें। अब अगर हम लोग बात करें सिंपल सेंटेंस का, ठीक है, सिंपल सेंटेंस मिलेगा कैसे। सिंपल सेंटेंस को आप लोग जानते हैं कौन कौन सा वाक्य कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड वट एवर। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, यानी क्या हो, साधारण वाक्य। ठीक है, स्वीकारा गया वाक्य हो, साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य इसको समझेंगे। हाँ, सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, यानी साधारण वाक्य किस प्रकार से मिलेगा, जब वाक्य साधारण हो, जैसे कि कह दे मैं बाजार गया, वह बाजार गया। ठीक है, मैं बाजार गया हूं, इस प्रकार से कह दूं, यानी वर्तमान में क्या हो जाए, क्रिया क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको। या फिर कह दे वह पापा जी बाजार जा चुके हैं, या फिर मम्मी खाना बना चुकी हैं, इस प्रकार की चीजें क्या दर्शाती है बच्चों, कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि मैंने बताया हैज है किसके साथ लगता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड, सो ऑन। ये हो जाता है सिंपल सेंटेंस का रूल। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों, सिंपल सेंटेंस का रूल। अब यहाँ एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल किस प्रकार से मिलेगा उसको समझते हैं। जैसे हम कह दें कि वह मर चुका है, वह मर चुका है, क्या हो जाए बच्चों, वह मर चुका है, तो इसका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है इसका, यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह ही के साथ हैज, ही हैज। ठीक है, ही हैज। अब यहां पर मरना का होता है डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। ठीक है, ही हैज डाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ही हैज डाइड, यानी वह मर चुका है। ठीक है, अगर हम कह दें मैं घर पहुंच चुका हूं, मैं घर पहुंच चुका हूं, मैं घर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मैं घर पहुंच चुका हूँ, कैसे भी मैंने बताया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये चीजें हैं। तो क्या आप समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्या क्लियर है यहाँ तक चीजें, एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें ठीक है, मैं घर पहुंच चुका हूं, इसको देख लेते हैं, तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, इसका हो जाता है आई हैव। ठीक है, आई हैव। अब पहुंचना होता है रीच। ठीक है, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। ठीक है, रीच्ड, ये रीच्ड है बच्चों। ठीक है, आई हैव रीच्ड टू होम। ठीक है, टू होम, इस प्रकार से क्लियर है बच्चों, आई हैव रीच टू होम, मैं घर पहुंच चुका हूं। अब यहां पर अगर आप बात करें कि तुम, ठीक है, तुम पैसे जमा कर चुके हो। ठीक है, जमा कर चुके हो। ठीक है, यहां पर हो जाएगा तुम पैसे जमा कर चुके हो, क्या हो जाएगा बच्चों, चुके हो, चुका है, ये तो आएगा परफेक्ट टेंस का वाक्य में, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के वाक्य में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू हैव। ठीक है, यू हैव। अब जमा करना होता है पे। ठीक है, पे मतलब जमा, और हो जाएगा पेड। ठीक है, पेड द मनी। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहां तक चीजें, बहुत सही, शानदार। ऐसे कहते हैं माँ खाना पका चुकी, माँ भोजन, भोजन, माँ भोजन पका चुकी, माँ भोजन पका चुकी हैं, ऐसे आ जाए, माँ भोजन पका चुकी हैं। तो क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा द मदर। ठीक है, द मदर, The mother has, उसके बाद खाना पकाना होता है कुक का, cooked, ठीक है, The mother has cooked, clear है चीजें, यहाँ तक चीजें clear है, एक बार सभी students class को share कर दें। तो ये था कुछ simple sentence, ठीक है, ये था क्या बच्चों, कुछ simple sentence। अब मान ले अगर वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, इसको नोट करेंगे आप लोग, एक बार नोट कर लें, क्लास को नोट कर, नोट रोक करके। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था कुछ सिंपल सेंटेंस का वाक्य। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस का वाक्य। क्या जानेंगे बच्चों? निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कैसे मिलता है, यहां पर समझ लेते हैं। नकारात्मक वाक्य कैसे मिलता है? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है बच्चों। नकारात्मक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जो वाक्य नकारे गए हो, जो प्रेजेंट परफेक्ट में तो हो लेकिन वाक्य क्या हो, नकारे गए हो, जैसे तुम नहीं पढ़ चुके हो इस प्रकार से, या फिर कह दे माँ खाना नहीं पका चुकी है। नहीं यानी नकारा गया हो, ठीक है। नहीं शब्द आए वाक्य में, क्या आ जाए बच्चों? नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए, ठीक है। नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आएगा तो क्या होगा बच्चों? उसके लिए रूल रेगुलेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर समझेंगे। उसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हैज या हैव, कुछ चेंज नहीं करते, सिंपल के सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन, ठीक है। ये हो जाता है रूल। क्या चीजें क्लियर है, क्या चीजें क्लियर है बच्चों? एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे मिलता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या मैं आपको समझा पाया, क्या आपको समझ में आया? बहुत सही। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे कह दें तुम खेल नहीं चुके हो, ठीक है। तुम खेल नहीं चुके हो, इसका देखें अगर तो ये क्या हो जाता है बच्चों? यू, ठीक है। यू यहाँ पर देखिए, चुके हो, चुकी है, चुके हैं, यू के साथ क्या आ जाता है बच्चों? हैव, ठीक है। यू हैव यहाँ पर हालांकि कैपिटल से रहना चाहिए, यू हैव, ठीक है। यू हैव नॉट, नॉट प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। यू हैव नॉट प्लेड, ठीक है। यू हैव नॉट प्लेड ऐसे कह दें, हम भोजन नहीं किए हैं। देखिए क्या आया, ए है आया, क्या आया बच्चों? ए है आया है, तो ये क्या हो जाएगा? वी हैव, ठीक है। वी हैव नॉट, नॉट। अब यहाँ पर देखिए भोजन करना हो जाएगा, यानी भोजन करना क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ईट हो जाएगा, ठीक है। ईट यानी भोजन, या फिर कह सकते हैं टेकन फूड, इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ईटन, ईटन फूड, ईटन फूड, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? ईटन फूड या ईटन मील। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे। अगला अगर हम बात करें, वह विद्यालय, ठीक है। वह विद्यालय जा चुका है या वह विद्यालय गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यानी ही हैज, ठीक है, ही के साथ हैज, ही है, वह विद्यालय नहीं, ठीक है, वह विद्यालय नहीं जा चुका है, तो ही हैज नॉट। अब देखिए यहाँ गो एंड गॉन ऐसे ही ना होता है, तो यहाँ हो जाएगा गॉन, क्या हो जाएगा बच्चों? गॉन टू स्कूल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें। तो इस प्रकार का निगेटिव सेंटेंस आपको मिल जाएगा, तो क्या आप उसको हेल्प कर पाएंगे, क्या आप उसको बोल पाएंगे? बहुत सही, शानदार, शाबाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस भी मैंने समझा दिया। अब अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार मिलेगा इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे मिलेगा, यानी प्रश्न सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य आपको मिले, यहाँ पर हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्न सूचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य, ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न आए, ठीक है, क्या, कब, क्यों, ये चीजें, ठीक है, क्यों, कैसे, ठीक है, क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, ये चीजें आए, ठीक है, किसका, कितना, ये चीजें, यानी प्रश्न सूचक आए, प्रश्न शब्द आए, ठीक है, प्रश्न शब्द आए, ठीक है, तो वह वाक्य क्या हो जाता है बच्चों? वह वाक्य क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है? क्या क्लियर है यहां तक चीजें? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर बात करें, तो इसमें दो प्रकार की चीजें, अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, ठीक है, क्या शब्द से, जैसे क्या तुम घर गए हो, क्या तुम घर गए हो, यहाँ पर क्या शब्द से शुरू हो जाएगा, तो हम लोग हैज या हैव को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या शब्द के लिए हम लोग रूल क्या लिखते हैं,
जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो हम लोग क्या हैज या हैव को सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं हैज या हैव को सबसे पहले लिखते हैं, क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, ठीक है। हैज या हैव को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। लेकिन अगर मान लेते बीच में वाक्य आ जाए, बीच में प्रश्न आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तब क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उस प्रश्न की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, ठीक है। फिर वही इसी प्रकार का ये रूल हो जाता है, ठीक है, क्लियर है चीजें। अब एग्जांपल देखें कैसे मिलेगा, एग्जांपल ऐसे मिलेगा, इस प्रकार से दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है कैसे मिलेगा एग्जांपल, कहते हैं क्या, ऐसे क्या क्या अमित अमित क्या अमित गया, क्या अमित गया है, इस प्रकार से क्या अमित गया है, यहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाता है इसका, क्या आया है और क्या शुरुआत में आया है, इसीलिए इसकी अंग्रेजी नहीं बल्कि हैज या हैव को लिखेंगे, क्या लिखेंगे अमित के साथ क्या आता है, हैज अमित, हैज अमित, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्रिया क्या हो जाना है, गो का गॉन, ठीक है, हैज अमित गॉन, ठीक है, क्या अमित गया, इस प्रकार से कह दें हम ऐसे, क्या मैं गाया हूँ, इस प्रकार से, ठीक है, क्या मैं गाया हूँ, ठीक है, यहाँ पर गाया मतलब गा चुका हूँ, इस प्रकार से गा चुका हूँ, गाया हूँ गलत हो जाएगा ना, गा चुका हूँ, क्या मैं गा चुका हूँ, इस प्रकार का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, have I sung a song, ठीक है, sung a song, sing का कौन सा फॉर्म हो जाता है बच्चों, sing का थर्ड फॉर्म sung, ठीक है, sing का थर्ड फॉर्म sung, ठीक है। अगला से कहते हैं वह क्यों बोल चुका है, ऐसे आ जाए वह क्यों बोल चुका है, तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, वह क्यों बोल चुका है, यानी क्यों बीच में आया, तो इसके अंग्रेजी लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई, अब वह के साथ तो है जाता है, ठीक है, वह के साथ है जाता है, वाई हैज ही, अब बोलना होता है स्पीक का स्पोकन, ठीक है, स्पोकन, ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है चीजें, वाई हैज ही स्पोकन, ठीक है, वह क्यों बोल चुका है, इस प्रकार से। अगला देखिए, जैसे कहते हैं मैं कब तुमको बुलाया हूँ, ठीक है, मैं कब तुमको बुलाया हूँ, ऐसे वाक्य आ जाए तो क्या हो जाएगा इसका, when, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, when, कब का स्पेलिंग क्या होता है, when, अब मैं के साथ तो have आता है, when have I, बुलाना होता है बच्चों, call का थर्ड फॉर्म call, ठीक है, called to you, इस प्रकार चीजें, ठीक है, यानी मैं तुमको कब बुलाया हूँ, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, एक बार सभी स्टूडेंट इसको मिलकर नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट हो गया। अब एक सेंटेंस और बचा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसको समझ के उसके बाद खत्म खेला, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या जानेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर जान लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य इसका हिंदी हो जाता है। अब इसकी हिंदी क्या हो जाती है, प्रश्न के साथ साथ, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया था, प्रश्न के साथ साथ, प्रश्न प्लस नहीं, ठीक है, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आए, ठीक है, नहीं शब्द आए तो क्या हो जाता है वो बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाता है। जैसे मान लेते हैं, कह दें कि तुम क्यों नहीं बोल चुके हो, क्यों भी आया, नहीं भी आया, ठीक है, इस प्रकार की प्रश्न भी आया, नहीं भी, तुम कब नहीं भोजन किए हो, ठीक है, यानी कब भी आया, नहीं भी आया, तो ये चीजें, ठीक है, तो इसका रूल क्या हो जाता है बच्चों, इसका रूल हो जाता है शब्द क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन, क्वेश्चन मार्क,
ये होता है इसका रूप। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल कैसे मिलता है, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट मिलकर क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगला अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, तुम क्यों नहीं स्कूल जाते हो, माफ कीजिएगा स्कूल गए हो, ठीक है, इस प्रकार से गए हो, ठीक है, तुम क्यों नहीं स्कूल गए हो, इस प्रकार से। तो इसका हो जाएगा तुम, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो यानी वाई, अब तुम के साथ हैव आता है, वाई हैव यू, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों नॉट, अब नॉट हो गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाना होता है गो का गॉन, ठीक है, गॉन टू स्कूल, ठीक है, टू स्कूल। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखें, जैसे कह दें मैं कब नहीं किताब भेजा हूँ, इस प्रकार से चुका हूँ, ठीक है, मैं कब नहीं किताब भेज चुका हूँ, इसका क्या हो जाता है when, ठीक है, when उसके बाद I के साथ है, when have I, उसके बाद बच्चों not। अब देखिए भेजना होता है send, send का क्या हो जाएगा बच्चों sent, ठीक है, sent the book। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों। तो ये थे कुछ मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके, चुका हूँ, और वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, ये सब आती हैं, तो क्या हो जाते हैं बच्चों, ये सब इसके पहचान हो जाते हैं, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता हैज हैव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीजें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।